हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। कभी प्यार है, कभी रिश्ता। हम जानते हैं गहनों की अहमियत, इसीलिए हम देते हैं 100% शुद्धता, सही दाम और अटूट भरोसा। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, भारत वर्ष का स्वर्ण। सुरेश जैन के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद अब कई लोगों के सपनों पर पानी फिरने की उम्मीद है। दरअसल कई वर्षों से जलगांव के विधायक रहे सुरेश जैन को पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद राजू मामा भोले शहर के विधायक बने थे। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद सुरेश जैन ने कहा था कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अब फिर एक बार चुनाव लड़ने की बात कहकर सुरेश जैन ने जलगांव की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल लाने का इशारा कर दिया है। प्राप्त परिस्थिति बघत असताना आणि कार्यकर्त्यांचा आग्रह असल्या कारणाने मी हा विचार केलेला आहे आणि ही आमची सीट आहे शिवसेनेची आणि ती वाटाघाटीत निश्चित रूपाने युतीच्या वाटाघाटीत शिवसेना मिळेल आणि शिवसेनेचा उमेदवार म्हणून मी निवडणूक लढू इच्छितो। आपल्याला खात्री विजयाची? निश्चित रूपाने। मला बिलकुल वाटत नाही, कारण त्यावेळेस मी मध्ये होतो, आता मी इथे बाहेर आहे, प्रचाराला आहे, लोकांच्या समोर आहे, उत्तर द्यायला तयार आहे आणि त्यामुळे मला असं वाटत नाही। सूत्रों के मुताबिक सुरेश जैन के ये कदम राजू मामा भोले के साथ साथ विधायक बनने के सपने देखने वाले कैलाश सोनवने, ललित कोल्हे जैसे नेताओं के सपनों पर भी पानी फेर देगा। जिले के पालक मंत्री गिरीश महाजन भले ही युति की बातें करते हों, और युति हुई भी तो शहर में शिवसेना को ही सीट मिलेगी और सुरेश जैन को उम्मीदवारी। अगर पिछली बार की तरह युति टूटी भी तो भाजपा के सामने सुरेश जैन खड़े होंगे और भाजपा के लिए ये सीट आसान नहीं होगी। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव कईयों के सपने चूर चूर करके ही देगा। जलगांव से धर्मेंद्र के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।